देखो देखो, शादी ना ऐसे नहीं हो सकती, शादी में रिश्तेदार तो होने चाहिए ना। यहाँ पर हमारे गोकुलधाम वासी मेरे दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है, रिश्तेदार के बगैर शादी कैसे हो सकती है? तो हम वो शादी का बाद में सोचते हैं। ओके बाय। रुकिए, आप ये समझ लीजिए कि भावनाओं में वो सब आपके साथ है और शादी के बाद रूबरू हम उन्हें सब बता देंगे, समझे आप? लेकिन अब ये सब बातें छोड़िए, अब हम सबसे फेमस रस्म निभाएंगे, जूते छुपाने वाली रस्म। एक मिनट, जूते ले लो। हमारे में जूते नहीं छुपाते, पैर छुपाते हैं। पैर नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, मेरे पैर, मेरे पैर कहाँ गए? मैं चलूंगा कैसे? प्रेस कैसे जाऊंगा? घर का काम कैसे करूंगा? मेरे पैर लौटा दो, मेरे पैर लौटा दो प्लीज। पैसे दे दो। देखो देखो, पैसे गहने, मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, मेरी दौलत शोहरत मेरा नाम सब कुछ ले लो, यहाँ तक मेरा अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड वो भी तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरे पैर दे दो। पोपटलाल जी, ये सब तो मेरा ही हो जाएगा ना शादी के बाद। चलिए, हमने आपको माफ किया, ले लीजिए आपके पैर। मेरे पैर आ गए, अच्छा चलिए, अब हम अपनी आखिरी रस्म पूरी करते हैं। कौन सी? सात पैरों वाली। नहीं 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 नहीं, क्या है क्या ये? अब हम अग्नि को साक्षी मानते हुए सात फेरे लेंगे। अरे जरा सोचो, भूत के साथ मेरी शादी होगी तो मेरा क्या भविष्य होगा? अरे मेरा छोड़ो, हमारा क्या भविष्य होगा? हमारा भविष्य भूतकाल जैसा होगा, बिल्कुल उज्जवल। अरे जरा ये तो सोचो, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, खास होगी, आदि भूत आधी इंसान, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? नहीं 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 है। चल, अब अग्नि के फेरे लेते हैं प्राणनाथ। अरे भाड़ लगे प्राणनाथ, बचाओ। रुक जाइए मेरे प्राणनाथ, शादी नहीं करेंगे मुझसे? मुझे फेरे नहीं लेने, मुझे फेरे नहीं लेने, मुझे फेरे नहीं लेने। अरे भागे मत पोपटलाल जी। अरे बच्चा, मुझे फेरे नहीं लेने। कब तक भागेंगे आप? थक जाएंगे। इधर आइए, शादी करिए ना मुझसे। ये क्या कर रहे हो? पोपटलाल, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इधर आइए ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अरे मगर मुझे करनी है, इधर आइए ना। अरे समझने की कोशिश करो, आप बड़े नटखट हैं। अरे इंसान और मूर्ति की शादी नहीं हो सकते। आइए, प्लीज मुझे छोड़ो। इधर आइए पोपटलाल जी। भगवान ये क्या कर रहे हैं? आइए ना पोपटलाल जी, आइए ना पोपटलाल जी। छोड़ दो मुझे प्लीज पोपटलाल जी। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। भगवान ये क्या कर रही है? समझने की कोशिश करो। हो गए हमारे फेरे, हो गई हमारी शादी। जी हाँ, ये क्या कर दिया पोपटलाल जी? हो गए हमारे फेरे, अब माला पहन लीजिए। कंकाल की माला।
छोड़ दो, मुझे जाने दो। निकालो इसको, अरे निकालो 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 अरे ये निकल क्यों नहीं रही है? अब ये नहीं निकलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब हमारी शादी हो गई। अब 7 जन्मों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। नहीं 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 नहीं, एक भूतनी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का क्या मतलब है? हो चुकी है पोपटलाल जी, आपकी और मेरी शादी हो चुकी है। चलिए शमशान। शमशान क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शादी की पहली रात शमशान में ही बिताते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे शमशान में रात नहीं बितानी है। तो कब्रिस्तान चलेगा? नहीं, मुझे वहां भी नहीं जाना है। क्यों? चलिए ना, कल तो हमें हनीमून के लिए भी निकलना है। तुम्हारे में हनीमून भी होता है? जी हाँ, और मैंने हनीमून के लिए एक स्पेशल पैकेज भी ले रखा है। हनीमून पैकेज? हाँ, कश्मीर का कब्रिस्तान, महाबलेश्वर का मरघट, कोलकाता की काली बाड़ी, नहीं नहीं नहीं, हरियाणा की बेहाल हवेली, क्या बोल रही है, मुरादाबाद का मौत का मकान, नहीं, राजस्थान का भूतिया पैलेस, पानीपत का पुराना मंदिर, कानपुर का खंडर, हम सब जगह पर जाएंगे। कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। कोई बात नहीं, अगर हनीमून के लिए विदेश जाना है तो हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना विदेश। अमेरिका की अंधेरी गुफा, ड्रैकुला का पैलेस। नहीं 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 नहीं। पोपटलाल जी, ठीक है, आपको विदेश नहीं जाना तो आपकी कोई पसंदीदा जगह होगी वो बता दीजिए, हम वहाँ चले जाएंगे। अरे मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। कैसे नहीं आएंगे मेरे साथ पोपटलाल जी? अब तो आप मेरे वो हो चुके हैं, आज तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हो, लेकिन आज ये दिलवाली दूल्हे को ले जाएगी। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे! अरे बचाओ, अरे बचाओ! लाल जी, छोड़ दो मुझे! अरे छोड़ो लाल जी, अरे छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं आना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। नहीं पोपटलाल जी, अब तो बहुत मजा आने वाला है। अरे कहाँ लेके जाना मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या है? मेरी शादी हो गई। मुबारक हो, मुबारक। अरे क्या मुबारक हो, शादी वो डरावनी दुल्हन के भूत के साथ हुई है। अब ये डरावनी दुल्हन कौन है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, वो पोपट भाई ने डरावना सपना देखा है। कितने पोपट भाई? वो सपना था, हकीकत था, कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी था वो बहुत बहुत डरावना था। वो डरावनी दुल्हन ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और मुझे वो कंकाल की वरमाला भी पहना दी। कंकाल की वरमाला? चाचा जी,
अब 7 जन्मों तक मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। पोपट भाई, सपने की बात बोलकर डराइए मत। आपकी बात सुनकर हमें भी डर लग रहा है। अरे आप लोगों को किस बात का डर? दूतनी के साथ शादी तो मेरी हुई है ना। पोपट भाई, सपने में जो दुल्हन देखी वो कैसे दिख रही थी? सुंदर थी। अरे वाह। अरे क्या वाह, भूतनी थी, भूतनी। पर ये भूतनी वही थी जो पहले भी गोकुलधाम में आई थी। अरे वाह, फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वो भूतनी भूतनी थी नहीं, वो तो इंसान थी। वो गैंग की सदस्य थी। हाँ तो शादी 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 तो सो जा भाई, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। अरे क्या सपना सपना कर रहे हैं? जो मोहनलाल के घर पे हमने देखा वो तो डरावनी दुल्हन है ना, वो तो हकीकत है कि नहीं? क्या बोला, क्या बोला? मोहनलाल मंडल किनका घर में बोले? क्या बोला पोपट भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। अरे तू चुप बैठ अब्दुल, बता बता भाई बता। दरअसल चाचा जी आप बहुत डरे हुए थे ना, इसलिए हमने आपको पहले बताया नहीं। आज मैं प्रेस से लौट रहा था ना, तो तभी हुआ यूं कि पोपट लाल के डर ने उसे वही दिखाया जिससे वो डर रहा था, डरावनी दुल्हन। और आप सबको भी वही दिखाया जिससे आप लोग डर रहे थे, जो दुल्हन से रिलेटेड चीजें थी, जैसे चूड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के निशान वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं। मैं अपने 2 कांस्टेबल यहाँ छोड़कर जाता हूँ, वो लोग यहाँ पर रहेंगे और कुछ भी होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ हाँ चाचा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कुंवारा हूँ ना, तो कभी भी आकर मुझ पर जम जाएगी। इतने सालों से बोल रहा हूँ कि मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देखा देखा देखा, मैं सबको पहले से बोल रहा था आपकी बात सही थी। आया जो मैंने देखा था वो डरावनी दुल्हन का था, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या करेंगे? चाचा जी डरिए मत, बैठ जाइए। क्या डरिए मत, क्या डरिए मत? हमारी सोसाइटी में जीती जागती भूतनी घूम रही है और तू कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है? कैसे समझाओ? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? पोपट भाई, चाचा जी को कैसे संभालूं? मुझसे तो नहीं संभलेंगे, किसी को तो बुलाना पड़ेगा। सोड़ी भाई को बुलाता हूं। अब्दुल, समय अब भी क्या हुआ होगा? फिर अब्बा मेहर करें। अब्दुल बोल। अरे सोड़ी भाई, सोड़ी भाई, कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ कुछ करता हूँ, लेकिन किस बात का, क्या करना है? पोपट भाई ने बहुत बुरा सपना देखा है, सपने में चिल्लम चिल्ली करने लगे हैं और उनके चिल्लाने की वजह से चाचा जी उठ गए। पोपट भाई ने मोहन भाई के घर में वो डरावनी दुल्हन के बारे में सब कुछ चाचा जी को बता दिया है। चाचा जी इतने डर गए, इतने डर गए कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी वो घर में कहीं जाके छुप गए हैं और पोपट भाई का डर के मारे वही हाल है। अरे भाई, दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मुझे तो डर है कि ये डरी डर में अपने आप को चोट न पहुंचा दे। सुनी भाई, मैं उनको संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है
सोसाइटी में सब डरे हुए हैं, सिर्फ आप ही है जो हिम्मत वाले हैं। सॉरी भाई, आप ही इन्हें संभाल सकते हैं। जल्दी से आके इन दोनों को शांत करवाइए, वरना आज की रात एक खुद तो सो नहीं पाएंगे और दूसरों को भी जगा देंगे। जल्दी आए प्लीज, प्लीज जल्दी आइए सोनी भाई। अब्दुल तू फिक्र ना कर, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू थैंक यू। ओ यारा की करा, चाचा जी और पप्पू सोएंगे नहीं तो और डरेंगे, और डरेंगे तो दूसरों को भी डराएंगे, ये तो दोनों की तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। की करा की करा की करा, चाचा जी और पप्पू को हिम्मत कैसे दिलाऊं? हिम्मत देने की कोई बूटी होती तो वो ही पिला देता। पुत्री एक बूटी तो है जिससे उन दोनों को हिम्मत मिल सकती है। आश सो रही है रोशन, सोती रहे सोती रहे, उठना नहीं। यही वो बूटी है जो चाचा जी और पोपू को हिम्मत दिला सकती है। पार्टी शार्टी के लिए रोशन डार्लिंग से छुपा के रखी थी, अभी कहां काम आ रही है। कंट्रोल सोडी कंट्रोल, ये चाचा जी और पोपू की खड़वी दवाई है, अभी पिला के आता हूँ। और रुक यारा, ओ यारा रोशन सिंह सोडी, चाचा जी और पोपू को बिना बताए शराब पिलाना बहुत गलत है। चाचा जी तो इस बात के सख्त खिलाफ है। तेरी गल सही है यारा, पर ये वक्त उनकी पसंद नापसंद सोचने का नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसकी तबीयत खराब हो उसको भी तो कड़वी दवाई पसंद नहीं आती, पर हम उसको पिलाते हैं ना, तो ये भी चाचा जी और पोपू की कड़वी दवाई है, उनको पिलानी पड़ेगी, तो उनके भले के लिए ही है यारा। सॉरी यारा। ठीक है यारा, कर ले भलाई का काम। थैंक यू। चाचा जी पोपू तैयार हो जाओ, आपकी हिम्मत की जड़ी बूटी आ रही है। और हवलदार साहब कैसे हैं? बस ठीक है। दिखा ऊपर कुछ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे? मैं वो चाचा जी ना बहुत डर गए हैं, तो उनको हिम्मत देने जा। अच्छा अच्छा, हमारी जरूरत है तो हम भी चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ठीक है, एक बात कहनी है, आप लोग हमारे गोकुल धाम की ऐसे रक्षा कर रहे हैं, जाग रहे हैं, इसके लिए आप दोनों का पूरी मुंबई पुलिस का थैंक यू। इसमें थैंक यू कैसा, ये तो हमारी ड्यूटी है। जाओ जाओ जल्दी जाओ और चाचा जी को हिम्मत दो। बिल्कुल, थैंक यू। डर भगाने वाली दवा, हिम्मत बढ़ाने वाली दवा। सोढ़ी चंपक चाचा और पोपटलाल का डर भगाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नशा करने वाला द्रव्य लेके जा रहे हैं। आप तो जानती हैं, चाचा जी ने अगर कोई ऐसी वैसी चीज पी ली, उनको ऐसी वैसी चीज पिलाना मतलब पटाखों के ढेर में चिंगारी लगाना। कोई भी पटाखा कहीं भी जाके फट सकता है। अब देखना यह है कि क्या सोड़ी इन लोगों को ये नशा कराने वाला द्रव्य पिला पाते हैं, क्या ये लोग पिएंगे, और पीने के बाद क्या उनका डर भागेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, कहीं हिम्मत इतनी न बढ़ जाए कि कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। भाई इस डरावनी दुल्हन का डर भगाने के लिए गोकुल धाम में अजीब अजीब चीजें हो रही है, लोग अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। अब आगे क्या क्या अजीब होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। चाचा जी ऊपर भाई डरिए मत, कुछ डरने की कोई बात नहीं है, प्लीज डरिए मत, क्या है कि मुझे भी डर लग रहा है। देखिए प्लीज डरिए मत। अरे अरे चाचा जी सुनिए सुनिए सुनिए, वो डरावनी दुल्हन नहीं है, सोड़ी बाई है। मैंने सोड़ी भाई को फोन करके बुलाया है, सोड़ी भाई होंगे, मैं देखता हूँ।
शादी कर ली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सोड़ी। अरे पप्पू वो एक डरावना सपना था, हकीकत में तेरी कोई शादी नहीं हुई है उससे। हाँ? वो सपना था या हकीकत पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो डरावनी दुल्हन बहुत खतरनाक है। पप्पू चाचा जी मैं हूँ ना, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो हिम्मत। अरे हिम्मत कैसे रखते सोड़ी, वो कभी भी हम पे हमला कर सकती है। अरे हमें बचा ले सोड़ी। चाचा जी ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब तो मुझे इन्हें ये पिलाना ही पड़ेगा। रब जी मैनू माफ कर देना, मैं इनकी भलाई के लिए इन्हें ये पिला रहा हूँ। अरे कुछ कर। शांत चाचा जी घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपका डर दूर करता हूँ। मैं हूँ ना, आ जाओ इधर बैठो। आई आई मैं हूँ ना साथ में, आई आइए चाचा जी बैठिए। नहीं नहीं कुछ बैठो मैं चाचा जी बैठो बैठो आराम से मैं थी। अच्छा पप्पू अच्छा नहीं डर नहीं डर नहीं, पर डराने नहीं आएगी, मैं आ गया हूँ सोडिया आराम से। एक मिनट अब्दुल ग्लास लेके आ फटाफट, जल्दी अब मैं हूँ इधर। पप्पू चाचा जी शाबाश सोडिया ये कह रहा हूँ क्या शराब। अब्दुल ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि इनको ये पीने से राहत मिलेगी। अच्छा पापा अला पी ले। क्या है ये? अरे सवाल मत कर यार, इसको पी ले, इसको पीने से तेरा सारा डर दूर हो जाएगा। थोड़ी कड़वी है पर इसको पीने के बाद ना डरावनी दुल्हन का सारा डर ऐसे दूर हो जाएगा। डर मुझे नहीं है। अच्छा चाचा जी थोड़ी एक कोट चाचा जी। चाचा जी चाचा जी आराम कर, प्लीज चाचा जी रोक। चाचा जी तो पूरी की पूरी बॉटल पी गए, ओए रब्बा उनकी होएगा। थोड़ी भाई दवा का ओवरडोज हो गया ना। चाचा जी आराम ना शांति से। अरे हिम्मत से तो बारा के मुझसे मुकाबला कर, देख तुझसे लड़ने के लिए ये बचाव का भड़ू ही लाया है बारा। अरे चाचा जी जरा संभालिए जरा जी, हमको हम सबको डरा दिया। अरे समझते नहीं हो आपको।
चाचा जी की है तो आवाज। हाँ ये तो चाचा जी चिल्ला रहे हैं। फिर से कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? क्या हो गया? देखता हूँ इंसान और भूत की लड़ाई में कौन जीतता है, इंसान या भूत? इंसान और भूत की लड़ाई कैसे हो सकती है? इंसान और भूत की शादी हो सकती है तो लड़ाई क्यों नहीं हो सकते? शादी तो सपने में हुई ना। अरे क्या हुआ? ए, मुझसे डर गई है इसलिए भाग लिया इस जगह। देखो डर गई है। ए भाई आए। अरे थोड़े क्या हुआ? थोड़ी ए बात सुनिए। काय उड़ा हलता है, क्या हो गया चाचा जी को? माला कैसे कर रही थे? चलो जाते हैं नीचे। ये चाचा जी ऐसे क्यों कर रहे? मालूम नहीं, चलो नीचे चल के देखते। चाचा जी डर गई है। अरे अरे आप लोग इनको रोकिए, शांत कीजिए वरना ये पूरी सोसाइटी को जगा देंगे। चाचा जी रुक जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हाँ चाचा जी शांत हो जाओ। थोड़ी क्या हुआ चाचा जी को भाई? कल तक इतने डर रहे थे, आज अचानक इतने रौद्र स्वरूप में कैसे है? हुआ क्या है? वो मैं था। अरे ऐ की हो गया, चाचा जी पी के तो एकदम बेकाबू हो गए हैं। भाइयों जी आप तो जानते हो कि मैंने इनकी भलाई के लिए इनको पिलाया था, अब इनको कैसे काबू में करूं? अरे डरो नहीं, तुझसे लड़ने के लिए कच्चे मारू आया है, कच्चे मारू। चाचा जी आज तू नहीं बचे, बहुत डराई करे तू सके। अरे चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये डरावनी दुल्हन को क्यों ललकार रहे हैं आप? वो नहीं आती होगी तो भी आ जाएगी। ये डरावनी दुल्हन बेरी है क्या? फिर से ले। अरे मारा भूत ले। चाचा जी ओ चाचा जी ओ चाचा जी हाँ देखिए। अरे ये लग जाएगी चाचा जी, हेलीकॉप्टर बंद कीजिए। अरे निकल बाहर, देख मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ और ऊपर आ जाऊंगा, बाहर निकल। कायजा ले अन्ना। काय मैं रामलाल चाचा जी रामलाल चाचा जी आप शांत हो जाइए, हम कल बात कर लेंगे भूतनी से, कल देख लेंगे। देख वैसे तो हम लोगों में स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन भूत स्त्री चढ़े। अरे भूत भूत होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता भूत में। तू बाहर निकल, आज तुझे छोड़ूंगा मैं। चाचा जी रामलाल सही जा रहे हैं चाचा जी। हाँ छोड़ना मत। अभी भी हड्डी बुड्ढियों में बहुत ताकत है। बूढ़ी हड्डियों में वसल। अरे तेरे जैसे 25 भूतों की चटनी बोले सकते हो चटनी? हाँ चाचा जी हाँ। बाहर निकल। अरे ये चाप सोरी, ये कल तक झूले के पीछे छुपने वाले हैं चाचा जी, अचानक हिम्मत कैसे आ गई इनमें? सामने ले आई है। चाचा जी नहीं नहीं क्या हुआ?
वो यारो चाचा जी को मैंने हिम्मत की दवा पिला दी। कैसी हिम्मत की दवा? छोड़ी अब्दुल का फोन आया था, कहता चाचा जी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं और बहुत ज्यादा डर गए हैं। मुझे लगा ये एक एक क्लास पिला दूंगा तो उनकी ये डर दूर हो जाएगा और वो शांति से सो जाएंगे। अरे क्या पिलाया? क्या क्या कैरम? अरे उसने मारा चाचा जी को। शराब पिलाई? कौन सी शराब? नाम बैंड क्या पूछ रहे हो? सॉरी तेरा दिमाग ठिकाने पर है, चाचा जी को शराब पिला दी। यार छोड़ी जिस आदमी ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी हो, अब देखो सुनामी हो गई, पी के क्या किया तुमने यार? सुनामी कब शांत हो गया? सॉरी यारो मुझे लगा एक एक पैक पिएंगे तो शांति से सो जाएंगे, वो तो पूरा का पूरा बॉटम सब जाइए जाइए चाचा जी छोड़ना बात। वो पहले तुम्हें झपटेगी। थैंक यू। सुनो बबड़ालाल अय्यर वो चाचा जी और पोपट भाई ने क्या? हाँ क्यों कब कैसे? वो चाचा जी और पोपड़ालाल को डरावनी दुल्हन का वजह से नींद नहीं आ रहा था तो थोड़ी ने उनको दवाई के तौर पर पिला दिया। चाचा जी ने तो दवाई समझ कर पूरा बॉटल पी लिया। ये गोकुलधाम वाले भी ना अजीब है, कभी बोलते दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, कभी बोलते पैरों के निशान थे, कभी अचानक से डर जाते हैं, अचानक से जोश में आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोग। अरे अरे भाई, अरे मुझे जाने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा। हाँ हम लोग वापस क्यों आ गए? जाने दो चाचा जी को। चाचा जी आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप साथ में हैं? होश में हैं आप? इस वक्त दुनिया हिली हुई है तुम्हारी पोपट लाल, क्या बात कर रहे हो? शांति रखो भाई। अरे सुन शांति यार, मैं तो सुन रहा। अरे सॉरी तू और दवाई दे मुझे, और दवाई पीनी है मुझे। आज उस भूतनी को छोड़ूंगा। चाचा जी वो दवाई खत्म हो गई। चाचा जी को भ्रांति शांति कारक चूर्ण पिलाए? नहीं नहीं माधवी बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो पिया है ना उसके बाद दुनिया का कोई चूर्ण उन पे असर नहीं करने वाला है। आओ दे। ओ, दे आहेस। एक अख्खी बाटली म्हणजे झालं काय? कमाले भाई। चाचा जी चलिए सो जाइए, तू भी चल आजा। हाँ चलिए चलिए। हाँ माधवी और बबीता जी आप यहीं रुकना, हम लोग चाचा जी को सुला के आते। हाँ पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ क्या है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं ना। हाँ थोड़ा डर लग रहा है। हाँ तो एक काम करते ना, मैं आप लोगों के साथ होता हूँ, आप लोग सुला के आओ इनको। देख लीजिए, देख लीजिए चाचा जी, भूतनी कही की चाचा जी को डराने आई थी,
देख लीजिए चाचा जी, देख लीजिए। मैं उसे छोड़ रहा हूँ। कल देख लेना, कल देख लेना। हाँ, शांति से सोचे। कल क्यों? कल क्यों? क्यों कल? क्यों क्यों? आज ही। तुम लोग वो भूतनी से इतना डरते क्यों? है सोड़ी? मैं डरता हूँ और मैं नहीं डरता किसी डरावने दुल्हन से। इस सोड़ी सोड़ी तुम भी किससे बहस कर रहे हो भाई? मालूम है ना भाई उसने पी हुई है। अभी उसको शांति से सुलाते हैं। वो क्या बोल रहा है उसे खुद को पता नहीं है। सॉरी सॉरी। शांति से सो जाइए। कल देख लेना उसे। कल देख। समझती क्या आपने आपको? चाचा जी की बात सही है, सही है। तुम पटना शांति आपको चाचा जी से बोले? तुम भी सो जाओ भाई, सो जाओ। सो जा पप्पू, सो जा। अरे क्या मुसीबत है, एक को संभालो तो दूसरा काबू से बाहर हो जाता है। पोपटलाल चाचा जी मुश्किल से सोए हैं, तुम भी प्लीज सो जाओ। प्लीज सो जा। नहीं सोऊंगा। शादी कर दी है, जबरदस्ती शादी कर दी है, कुंवारों को परेशान कर दी है। मैं गोल्डन क्रो कुंवर अवार्ड विनर सारे कुंवारों की ओर से उसे सोऊंगा नहीं, बदला लूंगा। समझते पप्पू, चुप हो जाइए। कब से चिल्लाई जा रहा है, चिल्लाई जा रहा है। ना खुद सो रहे, ना हम लोगों को सोने दे रहा है। अरे नींद उड़ चुकी है सब लोगों की। डरावने दुल्हन, डरावने दुल्हन, कुछ नहीं करेगी डरावने दुल्हन। सॉरी सॉरी। और अगर अब तू नहीं सोया ना तो मैं तेनू छटाऊंगा। नहीं सॉरी सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या ये लोरी? ओके बाबू। ओके पापू। अरे पापू साड़ी, ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ अपना पापू सो गया कि नहीं। सो गया, सो गया। प्रॉब्लम हो इमीडिएटली फोन करना। सोड़े भी भगवान से प्रार्थना करते कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। अभी है ना घर को जाके आराम से सो जाते, वो भूतनी और दुल्हन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। हाँ, नहीं, 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 नहीं। तुम भी मत सोचना। चल सो जा, चल चलो। गुड नाइट। गुड। सो गए चाचा जी? सो गए? हाँ फाइनली चाचा जी सो गए। थैंक गॉड। और पोपटलाल? वो तो सो नहीं रहा था, मेहता साहब जबरदस्ती सुलाया उसको। सो गया ना? ये आज की रात ना जगे तो अच्छा, डायरेक्ट सुबह ही उठे। हाँ भाई आज की रात कोई हादसा ना हो तो नींद आए। मेहता साहब अभी अपने अपने घरों को चलते हैं, रोशन डार्लिंग और अंजलि भाभी घर में अकेले सो रहे हैं। कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो लोग जा गए तो अंधेरे में डर जाएंगे और फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं भाई छोड़ी, ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। चलो चलो जल्दी घर चलो, सो जाते। ऐसे सो जाए, खाक नींद आएगी अभी। अहो तो क्या यही बैठेंगे? घर तो जाना पड़ेगा ना। वो तो जाना पड़ेगा माधवी। ए देवा आज की रात बहुत भारी है, आज की रात छुट्टी कर देना और जल्दी से सुबह कर देना। चल चल चल, सब ठीक करेगा भगवान। भाई डर, इसको भगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन चंपक चाचा और पोपटलाल का डर भगाने का ये जो अद्भुत तरीका सोढ़ी ने अपनाया है, इस तरह के तरीके की मैं कतई सिफारिश नहीं करूंगा। आप लोगों को भी जीवन में कभी डर लगे तो ये तरीका प्लीज मत अपना लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो हमने चंपक चाचा और पोपटलाल को सुला दिया है मित्रों, लेकिन अभी भी प्रश्न अनुत्तरित है कि जो हमने देखा मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में वो क्या था, और जो हमने देखा वो पुलिस को नजर क्यों नहीं आया, अब आगे क्या होगा? भाई एक बहुत ही डर और भय का माहौल इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि पुनः गोकुलधाम सोसाइटी हंसती खेलती हो जाए और हम पुनः अपने जीवन के रंग में आ जाए भय के बिना। क्या होता है आगे ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए मित्रों। इस आगामी 26 तारीख यानी कि रविवार को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से इस पवित्र त्योहार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहन इसे
हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ हमारी शुभकामनाएं आपको प्रेषित है। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डरावनी दुल्हन क्या नया रूप दिखाती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, टेंशन में लग रहे हो? नहीं, वो मैं घर पे फोन लगा रहा हूँ, घंटी भी बज रही है, लेकिन बापूजी फोन नहीं उठा रहे। मॉर्निंग वॉक करने गए होंगे। नहीं, वो तो सुबह जल्दी जाते हैं, अब तक तो वो सैर करके आ जाते हैं। चाचा जी को सोने देता हूँ, मैं ही फोन ले लेता हूँ। एक तो कल रात उस भयानक सपने की वजह से नींद नहीं आई, उसमें पता नहीं सोड़ी ने नींद की कौन सी दवाई पिला दी थी, अभी तक पूरा सर घूम रहा है। और उसमें पता नहीं सुबह सुबह फोन करके कौन परेशान कर रहा है। हेलो। हाँ, हेलो, कौन बोल रहे? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल, तुम सुबह सुबह हमारे घर पे? बापूजी के साथ चाय नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं भाई, मैं रात को यहीं सो गया था। क्यों? अरे भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, दो रातों से सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। किसका बोल? जेठालाल का। क्या हो रहा है? अरे आतंक फैल गया है, आतंक भाई। आतंक? कोई सब सब डरे हुए है, कोई सेफ नहीं फील कर रहा है। क्या ये क्या क्या बोल रहे हो पोपटलाल? क्या कर रहा है जसलम? मैंने मना किया था ना, जेठे अपने काम से सूरत गया है, उसे कुछ नहीं बताना। सॉरी सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। बाबू चटनी का क्या हुआ जेठालाल? पोपटलाल कह रहा है कि दो रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। आतंक? किस बात का आतंक? पता नहीं, वो कुछ एक हेलो हेलो। हाँ बोल जल्दी। हाँ बापूजी, ये पोपटलाल क्या कह रहा है? दो रातों से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं बापूजी। सोसाइटी में कुछ नहीं। कुछ भी तो कैसे नहीं बापूजी, पोपटलाल ने अभी मुझे बताया दो रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। क्या, क्या क्या बात क्या है बापूजी? और ये पोपटलाल हमारे घर पे क्यों सोया था? वो सोसाइटी, वो सब छोड़ना जेठिया, तू ये बता तेरी मीटिंग कैसी रही? देखिए बापूजी, बात मत घुमाइए, सच सच बताइए क्या हुआ है सोसाइटी में। मैं काम करता हूँ बापूजी, मैं अभी का भी मुंबई आता हूँ, ये धंधा वंदा तो होता रहेगा। अरे नहीं नहीं जेठिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अरे बापूजी ठीक कैसे है? पोपटलाल ने मुझे अभी बताया सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। बापूजी, बापूजी, अरे एक मिनट भाई, जरा सोचने तो दे। हैं? मतलब जेठिया बोलने तो दे मुझे, तू अकेला ही बोले जा रहा है। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। क्या बताऊं इसे, किस बात का आतंक है? गरबा? गरबा? मच्छर? मच्छर जेठिया, मच्छर। अच्छा, मच्छर का आतंक फैला हुआ है? हाँ, वो जेठिया दो दिन से यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो क्या है ना, जगह जगह पानी भर गया है, तो इस वजह से मच्छर बहुत बढ़ गए। पर एक ही दिन में इतने मच्छर बढ़ गए कि मच्छर का आतंक फैल गया सोसाइटी में? मच्छरों को बढ़ने में टाइम थोड़ी लगता है जेठिया, वो तो कभी भी बढ़ सकते हैं ना। लेकिन मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं बापूजी? मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं? मलेरिया, डेंगू। और तो डरेंगे ही ना जेठिया, डरेंगे ही, मच्छर काटने से क्या होता है? मच्छर काटने से खंजवाड़ आती है। अरे
खलीवार की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, वो कि मच्छर काटने से वो मलेरिया डेंगू ऐसे सब रोग हो जाते हैं ना, इसलिए सब डरे हुए हैं। तो सबको डर है कि कहीं वो किसी को ना हो जाए। अच्छा अच्छा, तो ये मच्छर के डर से पोपटलाल हमारे घर पे सोने आ गया। हाँ वो क्या है ना जेठिया, वो पोपट घर में अकेला रहता है ना। हाँ तो अरे तो क्या कर रहा है, बता रहा हूँ ना मैं, वो भूल गया क्या बोल रहा था मैं, वो पोपटलाल अकेला रहता है। हाँ तो क्या है, वो पोपट अकेला रहता है ना, और वो तो सुबह निकल जाता है प्रेस के लिए, और तो पूरा दिन घर खाली रहता है ना, तो इसलिए उसके घर में वो मच्छरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो हमारे घर सोने आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पोपटलाल भी कमाल है, अपने घर पे मच्छरदानी लगा के सो जाता, खामखा आपको तकलीफ दी। नहीं देखिए, दरअसल क्या हुआ कि मैंने ही उसे बोला था कि भाई तू भी अकेला है मैं भी अकेला हूँ, तो एक काम करना भाई तू मेरे घर पे ही आ जा सोने के लिए, इसलिए वो यहाँ आ गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। हाँ चाचा जी, पोपट भाई आप लोग कब उठ गए पता ही नहीं चला, ये कौन बोला? अरे ये अब्दुल। अब्दुल भी हमारे घर पे सोया हुआ था। हाँ वो अब्दुल भी अकेला रहता है ना घर में, तो वो भी सुबह सुबह यहाँ आ जाता है ना अपनी दुकान पे, तो उसका घर भी खाली रहता है, इसलिए उसके घर में भी मच्छरों का उपद्रव बहुत हो गया था जेठा। और क्या है ना जेठिया, कि अपने घर में वो धूप करने के लिए मैंने अब्दुल से वो नीम के पत्ते मंगवाए थे, तो वो लेकर आया था, लेकिन उसको आते आते बहुत देर हो गई थी रात को, तो मैंने कहा कि अभी इतनी देर रात को तू वापस कहाँ घर जाएगा, तो तू भी यहीं सो जा, इसलिए वो भी यहाँ रुक गया। फिर वो नीम के पत्तों का धूप किया? हाँ किया ना जेठिया किया, तभी तो हम लोग चैन से सो पाए। अरे और तो और जेठिया, वो सोड़ी अय्यर मैक्तूस ये सब लोग भी हमारे घर आके सोने के लिए पड़ा पड़ी कर रहे थे, तो फिर मैंने बोल दिया उनको कि नहीं नहीं भाई तुम लोग अपने अपने घर में वो नीम के पत्तों का धूप कर लो और फिर सो जाओ। हाँ तो ये सब में वो भीड़े क्या कर रहा था बाबूजी, ये तो साफ साफ सेक्रेटरी की बेदरकारी है, उसको तो पता होना चाहिए ना कि भाई बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मच्छर का उपद्रव होता ही है, तो पहले से उसको कुछ करना चाहिए ना। एक काम कीजिए, फोन रखिए, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं जेठिया, उसे फोन मत करना, नहीं होगा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो बेचारे ने वो म्यूनिसिपैलिटी में फोन करके बोल दिया था, तो वो अभी म्यूनिसिपैलिटी वाले वो सोसाइटी में धुआं छोड़ रहे हैं, वो पाउडर भी डाल रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है। और जेठिया तू ये मच्छर बच्छर की बात छोड़, तू अपने काम के बारे में सोच, बता तेरा काम कब खत्म हो रहा है? हाँ बस बाबूजी, काम तो आधा तो खत्म हो ही गया, मतलब वैसे हो ही गया, कल मीटिंग अच्छे से हो गई, सब तय हो गया, आज अभी बस खाली वो सही सिक्का करना है, तो बस वो होते ही काम पूरा हो जाएगा, तो मैं कल फिर आ जाऊंगा मुंबई। जेठिया काम आज खत्म हो रहा है तो तू आज क्यों नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, मैं तो आज ही आना चाहता था, लेकिन ये महेश भाई ने मुझे जबरदस्ती रोक के रखा है बाबूजी, वो कह रहे कि यहाँ कोई नई होटल खुली है, तो आज रात को वहाँ खाना खाने जाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा ठीक ठीक है, ओके बाबूजी। आश बच गए। ये बच गए वाली? अरे मुझे आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो तू तो उसे सब बता देता, और वो बेचारा मेरी चिंता करते हुए अपना काम धंधा छोड़ के सीधा मुंबई आ जाता, ऊपर से उसका लाखों का नुकसान हो जाता वो अलग। सॉरी सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया, आप तो जानते हैं कल रात को यहाँ क्या क्या हुआ था। चाचा जी मेरा भी यही हाल है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग एक काम करो अंदर जाओ और थोड़ी देर और सो जाओ। हाँ? नहीं चाचा जी, डर और थकान कितने भी हो दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, मैं चलता हूँ। चाचा जी मुझे भी फ्रेश होने के लिए घर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं पोपट, मैं
अकेला घर में रहना नहीं चाहता, तू मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ अकेला तो मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी डर तो लग ही रहा है। आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। ये बराबर। तू एक काम कर, तू 5 मिनट रुक जा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ, फिर हम लोग वो पद्मावती भोजनालय में फोन कर देंगे और उसे कहेंगे कि नाश्ता तेरे घर पे ही लेकर आए। नहीं नहीं चाचा जी, मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के आपको खिलाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, रहने दे, देख तू भी थका हुआ है, हम लोग पद्मावती भोजनालय से ही मंगवा लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। क्या हुआ जेठालाल, क्यों टेंशन में लग रहे हो? नहीं ये बापू जी मुझे साफ साफ बता नहीं रहे, लेकिन पक्का सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। महेश भाई अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मैं मुंबई के लिए आज ही रवाना हो जाऊं, क्या मुझे बापूजी की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं, खाने का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम पूरे फैमिली को लेके आना। हाँ 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 थैंक यू। हे भगवान, मैं मुंबई पहुंचू तब तक बापूजी और सोसाइटी वालों का सही सलामत रखना। गोकुलधाम वाले भी ना कमाल के, कभी जोश में आ जाते हैं कभी डर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को आप लोगों ने उस फ्लैट में कुछ देखा? हम लोग पूरी रात आंखें गड़ाए हुए थे उस फ्लैट पे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चलो अच्छा है। अच्छा सेक्रेटरी साहब घर पे ही होंगे ना? हाँ भिड़े भाई घर पे ही होंगे। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर जा ही रहे। ठीक है ठीक है। अच्छा चाचा जी कैसे हैं, उनको ठीक से नींद आई ना? नींद तो आ गई थी लेकिन ठीक से नहीं, क्या वो डरे हुए थे ना? क्यों, रात में तो बड़े जोश में थे, ऊपर जाकर भूत से मुकाबला करने की बात कर रहे थे, सुबह में क्या हो गया? रात को चाचा जी ने पूरी बोतल पी ली थी, कैसे बताऊं? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है कि हमारे चाचा जी है ही ऐसे, फल में तोला फल में मासा। हमारे चाचा जी तो क्या कभी जोश में आ जाते हैं कभी डर जाते हैं, उम्र का तकाजा है ना। अच्छा अच्छा आइए 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 चाचा, संभल के। हाँ हाँ संभल के आइए आइए, भागे भागना मत है। नहीं 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 मेरे साथ चल भाई। हाँ हाँ मैं साथ में हूँ। आइए आइए। चाचा जी भाई साहब, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग पूरी रात उस फ्लैट पर नजर रखे हुए थे, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चाचा जी इनको वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी उस डरावनी दुल्हन की माया जाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए चलिए चाचा जी, यहाँ खड़े रहने में खतरा है। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर निकलते हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू थैंक यू। मैं आपको क्या 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 अब डरिए मत, मैं वो चाय लेकर आई हूँ। आप क्यों ऐसे कब से बैठे हैं? नीचे नहीं जाना है, सुविचार नहीं लिखना है आज? अरे कहाँ से लिखूं सुविचार माधवी, दिमाग ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक कुछ सूझ नहीं रहा है, वो दिमाग में कल रात से वही बात घूम रही है। कैसे ना वो जब गए थे वहाँ पे लिखा हुआ था वो चले जाओ यहाँ से, वो अंदर पैरों के निशाने से ऊपर दीवार पर। वासना था, क्यों याद करना उन बातों को, भूल जाइए सब, ये लीजिए आप चाय पीजिए। ए ए कौन है? कौन है? पाटिल। पाटिल ए कातिल घर में ना, ए कातिल कौन कातिल? पाटिल पाटिल मुंबई पुलिस हवलदार पाटिल ते। आई आई ये लीजिए उस फ्लैट की चाबी। हाँ पूरी रात उधर कुछ नहीं हुआ, अभी आप डरिएगा मत। आप लोग आइए बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नगो वैनी काय नगो, थैंक यू। अरे तुम्ही का थैंक यू बोलता है हवलदार साहब, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, थैंक यू। हाँ खरे पूरी सोसाइटी को अच्छी नींद आए, इसलिए आप अपनी नींद छोड़कर पूरी रात हमारे लिए जागे। उसमें क्या वैनी, पुलिस का तो काम ही यही है। सच में हवलदार साहब आपकी सेवा करने के निस्वार्थ जज्बे को सलाम। धन्यवाद निकतो हम। थैंक यू। देखा ना माधवी,
ये पुलिस वालों को जॉब कितना थैंकलेस होता है ना, मतलब त्योहार हो या कुछ भी हो दिन रात ड्यूटी पे लगे ही रहते हैं लोग, आराम ही नहीं मिलता। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल भाई? चाचा जी और पोपट भाऊ जी ठीक तो है ना? नहीं नहीं कुछ ठीक नहीं है। चाचा जी और पोपट भाई अभी भी डरे हुए हैं, दोनों में से कोई अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए चाचा जी पोपट भाई के घर गए हैं। भिड़े भाई कल रात से पूरी सोसाइटी बहुत डरी हुई है, कुछ कीजिए भिड़े भाई कुछ कीजिए, पोपट भाई और चाचा जी की हालत बहुत नाजुक है, उनको संभालना पड़ेगा। अरे क्या संभालो अब्दुल, यहाँ पे खुद को संभालने के वांदे हो रहे हैं और पोपट और चाचा जी को कैसे संभालेंगे? नहीं दिखाई नहीं, अभी जेठा को फोन करके सूरज से बुला लेता हूँ, वो संभालेगा चाचा जी को। नहीं नहीं जेठा भाई फोन मत कीजिए ना, तो गजब हो जाएगा। क्यों? अभी अभी जेठा भाई का फोन आया था तो पोपट भाई ने फोन उठाया और डरनी दुल्हन के बारे में बोलने ही जा रहे थे कि चाचा जी ने फोन खींच लिया और बोला जेठा यहाँ सब ठीक है जेठिया, तो चिंता मत करना। हाँ बरोबर आहो, उस दिन हमें भी कहा था ना कि जेठा भाई काम से गए तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ बताएगा नहीं। वो ठीक है माधवी, लेकिन जेठाला आज भी सूरत से नहीं आया तो फिर चाचा जी को आज रात को कौन संभालेगा? तो ये आहेस मड़ा। नहीं 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 कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्या रास्ता निकालेंगे? निकालना पड़ेगा माधवी, हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल सभी जेंट्स को फोन करके बोल दो कि आज के दिन काम से छुट्टी ले ले। हाँ। और सभी को बोलना कि मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है क्लब हाउस में। नहीं नहीं भिड़े भाई वो क्लब हाउस में मीटिंग मत रखना। क्यों? क्लब हाउस की सीढ़ियों के ऊपर ही मोहनलाल जी का घर है ना, तो क्या है ना वहाँ पर मीटिंग रखना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं बराबर है अब्दुल, चाचा जी और पोपटलाल तो पहले से ही डरे हुए हैं, उनको क्लब हाउस में बुलाना ठीक नहीं होगा। ओहो मी काय म्हणते, मीटिंग आप पोपट भाऊजी के घर ही रखे ना, चाचा जी भी उधर ही है और मोहन भाई का घर पोपट भाऊजी के घर से बर्याफेकी दूर है, नहीं का? अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ बड़े भाई मैं सबको फोन करके बता देता हूँ। हाँ सबको फोन करना सिवाय पोपट लाल के। क्यों? उसको मैं फोन करता हूँ, क्या है वो पहले से बहुत डरा हुआ है ना, तो उससे जरा संभल के बात करनी होगी। ठीक है मैं बाकी लोग को कॉन्फ्रेंस में फोन करता हूँ। अब्दुल बोल क्या है, सब ठीक है ना? आप सब लोग थोड़ा टाइम के बाद पोपड़ा के घर पे आ जाना। अरे भाई फिर से क्या हो गया अब्दुल? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। कल रात को जो हुआ ना उसका डिस्कशन करने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए भिड़े भाई ने पोपट भाई के घर पे एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई है। अच्छा अच्छा आपातकालीन मीटिंग, इमरजेंसी इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। आप लोग आ जाइए, बाकी सब वहाँ पर भिड़े भाई बता देंगे। थोड़ी देर में मिलते हैं पोपू के घर। हेलो पोपट लाल भाई, तुम्हें कब से मोबाइल पे फोन लगा रहे हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे भाई मैं नहाने गया था और फोन वो अंदर बेडरूम में है। बोल 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 क्या हुआ? अच्छा 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 कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। नहीं नहीं, नहीं भाई मुझे कल रात की कोई बात नहीं करनी है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। अरे भाई बोला ना भिड़े, कल रात की मुझे कोई बात नहीं करनी और मुझे कुछ सुनना भी नहीं। एक मिनट पोपट लाल मेरी बात सुनोगे प्लीज? शांति से मेरी बात सुनना, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका हल निकालने के लिए मैंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और तुम्हें और चाचा जी को तकलीफ ना हो इसलिए वो मीटिंग में तुम्हारे घर पे रखने की सोच रहा हूँ। तो मीटिंग तुम्हारे घर पे बुलाइए तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा भाई चलेगा। हाँ ठीक है हम सब आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक। चलेगा? तो भिड़े ने ना आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और वो हमें तकलीफ ना हो हम दोनों को इसलिए मीटिंग यहाँ पर रखी है, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा माधवी सभी महिला मंडल को बोल देना कि पोपटलाल घर पे पहुंच जाए, वहाँ पे मीटिंग है। हम महिला मंडल मीटिंग में नहीं आएंगे, क्या है हम वहाँ रहेंगे तो हमें डर लगेगा। हमारे साथ तुम लोग को डर लगेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बाहर रहेंगे तो आप सब वो डरावनी दुल्हन वाली बातें करेंगे ना, तो बार बार फिर अजीब अजीब ख्याल आते, तो हमें नहीं सुना है, इससे अच्छा हम लोग अंजलि भाभी के घर रुकते हैं सब महिला मंडल। ठीक है आप महिला मंडल मेहता साहब के घर पे मिलो। हम सारे जेंट्स पोपटलाल के घर पे आपातकालीन मीटिंग के लिए मिलते हैं। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी में कल रात से हो रही है अजीब अजीब घटना है और इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाई गई है एक आपातकालीन मीटिंग। ये मीटिंग इस बात पर चर्चा करेगी कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए। कितनी बड़ी समस्या है भाई, डरावनी दुल्हन, कैसे हम इससे छुटकारा पाएंगे, किस तरह से इसे हम मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट से बाहर भगाएं, क्योंकि अगर ये नहीं भागी तो हमारा क्या होगा, हम लोग अपने आप को कैसे संभालेंगे। अब देखना यह है कि क्या इस मीटिंग में इस भयावह समस्या का कोई हल निकलता है, इस आपातकाल से हम कैसे निपटेंगे, क्या इसका कोई इलाज हमारे पास होगा, क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए।
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, ऐसे टाइम पर इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। पोपटलाल, मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी इस आपातकालीन मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये आपातकालीन मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि कल रात को मोहनलाल जी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं है। वो असाधारण घटना थी। वहां पे क्या रहस्य है उसके बारे में हम इसे कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ हम सब बहुत डरे हुए हैं। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। हाँ हाँ सोढ़ी, मतलब सोढ़ी को छोड़ के हम सब डरे हुए हैं। तो हमें मिलके सोचना है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। मैं क्या बोला था? हमको फिर से पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए और फिर से अपना बात समझाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि इस मसले पे पुलिस से कांटेक्ट करना बेकार। हाँ यार, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी फिर से आएंगे, फिर से हम पे विश्वास नहीं करेंगे। हाँ बराबर है सोड़ी, जब पांडे जी मोहनलाल जी के फ्लैट में गए थे तो वहां पे कुछ था भी नहीं वैसा। उनको क्या लग रहा था कि हमको भ्रम हो रहा है? अरे नहीं, भ्रम नहीं है भाई, हम उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ? अरे भाई, पुलिस को भ्रम भी उस डरावनी दुल्हन ने ही करवाया है। वो कुछ भी कर सकती है, शादी भी। क्या शादी? आप लोग जानते नहीं है, उस डरावनी दुल्हन ने कल रात को मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। जबरदस्ती शादी कर लिया? अरे डरा डरा के शादी कर ली। खड़ादल, तुम्हारा इंसान के साथ में शादी नहीं हो रहा था तो तुमने भूतनी के साथ शादी कर लिया। अरे क्या बोल रहे हो? अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है पोपटलाल, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या नहीं किया मेहता साहब, मैंने आपका दरवाजा खटखटाया और आपको जगाने की कितनी कोशिश की। मैंने सोड़ी को, भिड़े को, अय्यर भाई को, सबको चीख चीख के जगाने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं जागा। की गल कर रहे हैं पप्पू? ओ मैंने तो कुछ सुनाई नहीं देता यार। तुझे सुनिया? नहीं, कौन सा दरवाजा यार? कुछ ना ना हिले नहीं सुनाई दिया। अरे कहां से सुनाई देता, उस डरावनी दुल्हन ने आप सब पे जादू करके आप लोगों को सुला दिया था ताकि आप लोगों को मेरी आवाज ना सुनाई दे, और उसी बात का फायदा उठा के उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, वो भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ। रस्मों रिवाज के साथ? और वो भी इंसानों के नहीं, भूतों के रस्मों रिवाज के साथ। पता नहीं कहां कहां से भूतिया संगीत बज रहा था और वो सारी रस्में उसने की। वो जो हल्दी वाली रस्म होती है ना, उसकी जगह पर उसने मुझे भस्म लगाया, और वो जो नाक पकड़ने वाली रस्म होती है ना, उसमें उसने मुझे ऐसे हवा में उड़ाया और अपने हाथ ऐसे लंबा करके मेरी नाक पकड़ी, और वो जो वो जूते छुपाने वाली रस्म नहीं होती है, उसने उसने मेरे मेरे पैर ही गायब कर दिए, और वो जो आखिरी रस्म होती ना फेरे वाली, उसमें तो पता नहीं वो ऐसे हवा में उड़ रही थी और कब मेरे फेरे हो गए मुझे पता ही नहीं चला, और आखिर में उसने मुझे कंकाल की वरमाला पहनाई और कहा, पोपटलाल जी हमारी शादी हो गई, अब आप 7 जन्मों तक मेरे हुए हैं। ये इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं भाई। मतलब अभी तुम किसी असली लड़की के, मेरा मतलब है लड़की जो इंसान है उसके साथ शादी नहीं कर सकते? नहीं कैसे कर सकता है बड़े, एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब शादीशुदा। यारो भूतों के साथ शादी करने पे मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है? पता नहीं कपड़लाल, अभी तुम्हारा क्या होगा, अभी तुमको सारा जिंदगी भूतनी के साथ में रहना पड़ेगा। अब तो भाई तुम्हें 7 जन्मों तक डरना पड़ेगा। और जरा सोचो पोपटलाल, डरावनी दुल्हन ने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा क्या करेंगे? पोपटलाल, वो भूतनी तुमको सोडा शॉप पर तो आने देगी ना? मुझे पता। अरे यार,
पोपटलाल को सोडो शॉप पहने की जरूरत ही क्या है, भूतनी यहीं से, मेरा मतलब है सॉरी भाभी जी, यहीं से हाथ ऐसे लंबा करेगी, सोडा शॉप तक हाथ जाएगा, ग्लास उठाएगा और यहाँ तक वापस आ जाएगा। एक मिनट भिड़े भाई, अरे पोपट भाई, आपकी और डरनी दुल्हन की शादी सपने में हुई थी ये तो बताइए। पप्पू डरा दिया था, टाइम जाने का कोई बात ही नहीं है, सपने में तो पोपटलाल की शादी होती रहती है। अरे भाई वो सपना था, हकीकत थी या मेरा भ्रम था मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्या बोला पोपटलाल? वही जो तुमने सुना, उस डरावनी दुल्हन की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। अभी भी उसकी डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंज रही है। पोपटलाल जी, तुम सब लोगों को कल रात की डरावनी बातें कर ली है तो मुझे याद नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। बैठिए, अब यहाँ पे कोई भी डरावनी बात नहीं करेगा। पोपटलाल तुम चुप रहो भाई। हाँ यारो, वो कल रात से बहुत कुछ हुआ है हमारी सोसाइटी में, फिर से उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अभी हम जिस बात के लिए यहाँ आए हैं उस पर फोकस करो। देखो भाई भिड़े, एक काम करो, सबसे पहले तुम उस मोहनलाल को फोन करो और उसे कहो फोन करके कि भाई ये जो तुम्हारे फ्लैट में समस्या है इसे सुलझाना, इसलिए आए और इस समस्या को सुलझाए। बहुत बार फोन कर चुका हूँ, फोन लगी नहीं है उसका, वापस ट्राई करो ना भाई, लगेगा फोन, लगेगा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या हुआ? बंदी आ रहा है फोन। अरे भाई, तो उसकी वो सेक्रेटरी है ना, वो कुमारी कन्या, उसको फोन लगाओ। कन्या कुमारी है, उसको करता हूँ। छोटी है वो। अगर फोन स्पीकर पर रखना। हेलो जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। भिड़े जी, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, आपका नंबर हमारे पास ऑलरेडी सेव है, और खास लोगों के नंबर तो हम अपने पास सेव ही रखते हैं। तो बताइए क्या सेवा कर रहे हैं आपकी? अब बात यह है कि हमारे सोसाइटी में जो मोहनलाल जी का फ्लैट है ना, वहाँ पे एक समस्या खड़ी हो गई है। ओ कम ऑन, आपके होते हुए क्या समस्या हो सकती है भिड़े जी? वो सब आपको बताएंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द मोहनलाल जी को लेकर सोसाइटी में आ जाइए। लेकिन मोहनलाल जी तो ऑस्ट्रेलिया में है। और मैं भी मुंबई में नहीं हूँ, तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? दरअसल वो फ्लैट में सीलन हो गई है, यही ना, तो ठीक करवा लीजिए। नहीं, सीलन की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है भीड़े जी? दरअसल उस फ्लैट में लीकेज है। नहीं, लीकेज भी नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या समस्या है भीड़े जी? तो कैसे बताऊँ मैं आपको, उस फ्लैट में कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? क्या अजीब सा? हाँ, अजीब सा मतलब हम सबको शक है कि उस नैनो नहीं है पिड़ू। कंफर्म है? कंफर्म मतलब भूत नहीं, मतलब बाकी सबको शक है कि उस फ्लैट में भूत है। भूत? हाँ। क्या भीड़े जी, सुबह सुबह मजाक करने के लिए हम ही मिले थे क्या आपको? अरे मजाक नहीं कर रहे कन्याकुमारी जी, सच में उस फ्लैट पे भूत है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, उस भूत से फ्लैट का रेंट और मेंटेनेंस का चेक भी ले लीजिए। और नहीं तो क्या भीड़े जी, आप शिक्षक हो के ऐसा मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कन्याकुमारी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानती हूँ। देखिए मैटर बहुत सीरियस है कन्याकुमारी जी, आप मेरी बात मोहनलाल जी से करवा सकती है? नहीं, और वो भी इन सब बात में नहीं मानते हैं। देखिए भीड़े जी, हमें ये फ्लैट बेचना है, विकी के साथ वो लोग फ्लैट देखने आने वाले हैं, तो आप प्लीज फ्लैट के बारे में ऐसी बातें मत करिएगा। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। चलिए रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। कमाल है, इसको तो भूत वाली बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओ
वो विकी ब्रोकर मथुरा से जब भी आएगा किसी ना किसी को फ्लैट दिखाने लेके ही आएगा। अरे वो किसी को भी लेकर आए उसके पहले उसे आगाह करना पड़ेगा कि उस फ्लैट में भूत नहीं है। करता हूँ, ये देखो 100 साल जिएगा उसी का फोन है। हाँ हेलो, कैसे हैं मीना सरकार? अरे भाई विक्की, 100 साल जियोगे तुम, अब मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। मथुरा से कब आ रहे हो तुम? मैं आ गया मथुरा से, आपकी गोकुल धाम सोसाइटी में ही हूँ और साथ में पार्टी भी हैगी। अरे बहुत डिमांड में है वो फ्लैट, वही दिखाने लाया हूँ पार्टी को। अरे वो डरावनी, वो फ्लैट दिखाने गया और डरावनी दुल्हन ने उनको कुछ कर दिया तो? देखो विक्की, तुम जहाँ हो वहीं रुको, तुम्हारे साथ जो भी है उनको मोहन का फ्लैट दिखाने बिल्कुल मत लेके जाना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई मेरी बात सुनो, वो फ्लैट आज ना ही दिखाओ तो अच्छा है, उनको बोलना बाद में कभी आ जाना। अरे लेकिन का है ये? अरे भाई वो सब छोड़ो ना, तुम वही रुको, हम लोग आ रहे हैं। हेलो, ये हैगी वर्ल्ड फेमस गोकुल धाम सोसाइटी। अरे इतने सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, अरे बड़े बड़े फिल्म स्टार सब इतना ही आते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अरे ये हैगी सबसे बेस्ट सोसाइटी, अरे सभी चीजों में बेस्ट, साफ सुथरी और सुंदर पर एकदम सुरक्षित। यहाँ फ्लैट आसानी से मिलता ना है वो, देखो इतना बड़ा कंपाउंड कहीं मिलता होगा इतना बड़ा कंपाउंड। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ गोकुल धाम सोसाइटी का गार्डन। ये है सोसाइटी का गार्डन। इस सोसाइटी में रहना अपने आप में प्राइड की बात है। और ये है भगवान का मंदिर, ये देखिए, ये है हमारा हवा महल टेरेस फ्लैट। अरे पूरी सोसाइटी में सबसे बेस्ट फ्लैट है वो। अरे आपको बहुत सही दाम में मिल रहा है वो, इससे अच्छी डील आपको कहीं भी ना मिलेगी। आइए देखते हैं। चलो अरे आइए आइए भीड़ सरकार, ये आएंगे समीर जी और तानिया जी, बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम कर रहे हैंगे। ये आएंगे गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भीड़े। नमस्ते। हेलो, नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके गोकुल धाम सोसाइटी के बारे में। थैंक यू। विकी जरा 2 मिनट साइड में आना, एक जरूरी बात करनी है। बाद में भीड़े सरकार, अभी टाइम नहीं है, अभी इनको मोहनलाल जी को फ्लैट दिखाने हैं वो। हाँ, लेकिन जरा आओ तो सही भाई। साफ साफ बोलो ना भीड़े सरकार। विकी फ्लैट के बारे में ही बोलना है तो इन लोगों के सामने कैसे बोलूं? अरे जो कछु इनके सामने बोले ना, जय तो फ्लैट देने वाले हैं। बोलो भाई। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भीड़े गोकुल सोसाइटी का एक मेन सेक्रेटरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मोहनलाल जी के फ्लैट पे जाना ठीक नहीं है, ना जाए तो बेहतर है। अरे बस आज मत देखिए, क्या फर्क पड़ता है, किसी और दिन देख लीजिएगा। अरे बेंगलोर से खास टाइम निकाल कर फ्लैट देखने आए, पर आप लोग कह रहे कि फिर कभी देख लो। राइट, देखिए हम मुंबई सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं और हमारा शेड्यूल पूरा पैक है, हमें फ्लैट आज ही देखना है। देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए, ये फ्लैट आप अभी नहीं देख सकते। हाँ, काहे नहीं देख सकते? क्योंकि उस फ्लैट में जाना सेफ नहीं है। हाँ, लेकिन विकी तुम तो कह रहे थे कि ये सोसाइटी सबसे सेफ है। अरे सेफ ही हैगी, बिल्कुल सेफ हैगी। क्या बात कर रहे हैं भीड़ सरकार, फ्लैट में जाना काहे सेफ नहीं है? अरे सब लोग घूमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो, साफ साफ बोल दो ना कि वो फ्लैट में भूत है। और भूत भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भूतनी है, डरावनी दुल्हन, बहुत खतरनाक है। देखिए हम इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो हम फ्लैट देख सकते हैं। अब जे का बेतुकी बात हो गई भीड़ सरकार।
यानी वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पिछले 2-3 रातों से वो मोहल्ला जी के फ्लैट पे अजीब और गरीब घटनाएं घट रही है। हाँ, हम लोग वैसे ही नहीं बोल रहे, हम लोगों को पक्का यकीन है कि उस फ्लैट में कोई गैर इंसानी ताकत है, कुछ तो गड़बड़ है। बताइए, हम यहाँ पे फ्लैट दिखावे के लिए पार्टी लाए हैंगे और आप लोग हैं कि उस फ्लैट की बदनामी करके रेट गिरावे चाह रहेंगे। और दूसरे एजेंट हमसे जलते हैंगे कि हम जो फ्लैट ना बेच पाए, इसलिए हम लोग ये सब साजिश कर रहे हैंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, मेरा भरोसा कीजिए कि डरावनी दुल्हन की न्यूज पूरे शहर में घूम रही है और वो डरावनी दुल्हन मोहनलाल जी के फ्लैट में छुपी हुई है। अरे आप इन लोगों की बात नहीं सुनिए, चलिए मेरे साथ, चाबी है मेरे पास। अरे रुको भाई विक्की, हो इस चाबी से वो ताला नहीं खुलेगा। काहे नहीं खुलेगा, काहे नहीं खुलेगा? क्योंकि इस चाबी का ताला हमने तोड़ दिया है। हाँ। ताला तोड़ दो, काहे? फ्लैट के अंदर देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। हाँ। अरे आप लोगों ने फ्लैट का ताला तोड़ दिया, ये तो हद है भाई। ओ, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे गोकुल धाम की सुरक्षा है। वो कल रात को परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको ताला तोड़ना पड़ा। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई सरकार कि आप लोगों को फ्लैट का ताला तोड़ने पड़ो? वो हुआ यूं कि बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो। हाँ। क्या हुआ? पहले सबको बुलाइए। मुझे पता है चाचा जी ने वहाँ क्या देखा था। मैंने लगता है उन्हें इक्की रस्ता। अरे कुछ नहीं, आ जा, अभी देंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, आ जा, जा। है कुछ? है कुछ भी नहीं है यार। मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है। चार हाथ वो ऊपर वाले फ्लैट में है। मतलब पुलिस ने आके सब कच्चू देखो और फ्लैट में कच्चू नहीं है। अरे पर हम सब ने तो देखा ना हमारी अपनी आंखों से भाई। अब आप लोगों ने कहा देखो कहा नहीं देखो हमें नहीं मालूम, पर आप लोग अगर ऐसी अफवाह फैलाएंगे तो हमारे फ्लैट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अफवाह? अगर फ्लैट की कीमत डाउन हो गई तो मोहनलाल जी का भी नुकसान है गो और मेरा भी नुकसान है गो। बात समझ में आ रहा है? और वैसे भी हमें इस बात पे यकीन नहीं। अरे अच्छा, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? हम लोग अपनी अपनी पत्नियों से मिलवाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, पता चल जाएगा। हाँ। बड़े मैं तू जाके महिला मंडल को बुला के ला। हाँ इनसे बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। आओ जाओ। उठे हो आप सब लोग इधर? हाँ रोशन भाभी, ये विकी ब्रोकर है और ये इन दोनों को मोहनलाल जी का फ्लैट दिखाने लेके आया है और ये लोग अभी ऊपर जाके फ्लैट देखना चाहते हैं। वो फ्लैट? नहीं नहीं, आप लोग इस फ्लैट में मत जाइए। हाँ देखा, सुन लीजिए। हाँ देखिए भाई साहब, उस फ्लैट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विकी, क्या है ये सब? कछु नहीं है सरकार, अब का इन लोगों की बातों में आ रहे हो, ये सब अफवाह फैला रहे हैं। नहीं रहे। अरे भाई साहब, हम लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोग हमारे यहाँ के फ्लैट के लिए क्यों अफवाह फैलाएंगे? और भाई मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी बात तो मानो। दोस्तों इस चाबी को देख रहे हैं आप, ध्यान से देख लीजिए इस चाबी को, यही है वो चाबी जो फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं, उस फ्लैट की चाबी। फ्लैट कमाल का, लाजवाब, बहुत बड़ा फ्लैट है, स्पेशियस है, इंटीरियर कमाल का किया हुआ है, अंदर फर्नीचर भी है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फ्लैट में भूत है। यही हो रहा है गोकुल धाम सोसाइटी में, मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट बिकाऊ है लेकिन उसमें डरावनी दुल्हन है, एक भूत। और ये फ्लैट खरीदना चाहता है कपल जिसे विकी ब्रोकर लेके आया और विकी ब्रोकर उस कपल को लेके फ्लैट की ओर जा रहा है। अब क्या होगा अगर ये लोग फ्लैट में पहुंच गए तो डरावनी दुल्हन क्या करेगी इनके साथ, क्योंकि डरावनी दुल्हन ने कल रात तो बहुत डराया, आज दिन में क्या कर सकती है वो, क्या करने वाली और क्या करेगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
आपके लिए पूरा रिस्पेक्ट है चाचा जी, लेकिन अरे हम लोग तो सीधे साधे लोग हैंगे, पर मटकों के मोहनलाल को तो आप जानते हैंगे ना। हाँ तो? अरे वो कोई आपके और मेरे जैसे सीधे साधे आदमी थोड़ी ना आएंगे। अरे उनको पता चला है कि आपकी वजह से उनका फ्लैट नहीं बिक रहा है और लाखों का नुकसान भाव है, तो बताइए वो कितना गुस्सा करेंगे। अरे लेकिन क्यों गुस्सा करेंगे विकी, मैंने खुद उनको फोन लगाया था, उनको फोन लग नहीं रहा है। आप उनको यहाँ पे लेके आइए, हम सब समझाएंगे उनको कि उनके फ्लैट पे प्रॉब्लम है। अरे आप सब लोग पढ़े लिखे हैंगे, आप लोग के मुंह से भूत प्रेत की बातें अच्छी नहीं लगती है। अरे आप सबने अगर फ्लैट पे भूत का अनुभव किया तो पुलिस नहीं क्या करो। पता नहीं, वैसे भी मुंबई पुलिस से सब लोग डरते हैं। इसका मतलब आप लोगों को डर के मारे भ्रम हुआ है। ओ विके, ओ मैं किसी से नहीं डरता हूँ, पर उस फ्लैट में मुझे भी ये सब चीजों का अनुभव हुआ, कुछ तो गड़बड़ है उस फ्लैट में। देखिए मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी, इसलिए ऐसे दाव पेच मैं जानता हूँ, और वैसे भी भूत भूत की बात में मैं बिलीव नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों में से किसी को ये फ्लैट खरीदना है इसलिए ऐसा सब बोल रहे हैं। देखो विकी, हमें फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट विकी, मुझे भी ये फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज परमिशन ले लीजिए ऊपर जाने के लिए। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी, आप लोगों को वो फ्लैट देखने की परमिशन नहीं दे सकता। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो पुलिस कंप्लेन करूंगा। अरे क्या भूत की अब्बा पहला के फ्लैट के मालिक को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मैं पुलिस के पास नहीं मीडिया के पास भी जाऊंगा। अरे ओ भाई विक्की, हमारे गोकुलधाम के एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने एक बार बोल दिया परमिशन नहीं मिलेगी तो परमिशन नहीं मिलेगी। अरे भाई का हमारे पेट पे लात मार रहे हैंगे, मोहनलाल जी का फ्लैट हैगा, उन्होंने हमें बेचने के लिए जिम्मा दिया हैगा, ये हमारी रोजी रोटी हैगी। ये लोग फ्लैट खरीदे बिना जाएंगे तो बहुत नुकसान है वो। ये बात भी ठीक है, किसी की रोजी रोटी को नुकसान हो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अरे पर ये लोग ऊपर जाएंगे तो इनका कितना नुकसान होगा। ये बात भी ठीक है। एक बात तो है ना पोपटलाल, की सोसाइटी के नियमों के अनुसार हम इन्हें फ्लैट देखने से रोक तो नहीं सकते ना। ठीक है भिड़े, अगर जाना चाहते हैं तो फिर हमें इन्हें फ्लैट देखने भेज देना चाहिए। दे दो भाई अनुमति दे दो, अभी ये लोग जीत पे आए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। जाओ। ठीक है भाई, अभी आप लोग जिद कर ही रहे हो तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी सोसाइटी के सभी सदस्यों की अनुमति से आपको फ्लैट देखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। लेकिन मैं फिर भी आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप ऊपर ना जाए तो अच्छा होगा। कछु नहीं होगा भिड़े सरकार, आइए आप भी हमारे साथ आइए। एक वेट लग ले कह रहे, मैं तुमको मना कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, तो मुझे बोले आने के लिए। अरे आपके पास चाबी है। तो चाबी है तो चाबी ले लो, ये लो ये चाबी तुम रखो, मैं क्यों आऊं। डरने की जरूरत नहीं है भिड़े सरकार, चलिए आप भी चलिए, इस माने आपको भी डर दूर हो जाएगा। अरे बाबू बिल्कुल आप लोग अपनी सोसाइटी के फ्लैट में जाने से डर रहे। ठीक है मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। आहो, नहीं नहीं कशला। ओ भाई भिड़े, तू जानता नहीं ऊपर क्या है? कोई नहीं जाएगा भाई, गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी मेंबर ऊपर नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ? मैं कहा आओ नहीं हो। अरे भाई क्यों उस फ्लैट के पीछे पड़े हो? अरे भाई मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, उस फ्लैट में जो डरावनी दुल्हन है वो मेरे पीछे पड़ी है। विके तुम्हारी शादी हो गई? नहीं नहीं होने वाली है। तो तुम तो बिल्कुल मत जाना भाई, वो डरावनी दुल्हन वो कुमारों पर झपटती है और जबरदस्ती शादी कर लेती है सपने में। अरे आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद को संभाल लूंगा। आपको डर लग रहा है तो आप मत आइए। मैं तो नहीं आने वाला। भिड़े सरकार आप चलिए। नहीं नहीं ये नहीं आएंगे। माधवी सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी होने के नाते
इनके साथ जाना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। अहो पिड़ो, तू अकेला जा रहा है तो मैं भी आऊंगा तेरे साथ। नहीं रोशन, तुझे तो जरक पर नहीं जाने दूंगी। सुनिए, मुझे जाना पड़ेगा, इन लोगों को हिम्मत देनी पड़ेगी। हिम्मत? अच्छा मारू मोनू नहीं खुलवा? हाँ हिम्मत के नाम पे तू कैसी हिम्मत देता है मुझे अच्छे से मालूम है। जास्ती भोला मत बना, तूने चाचा जी और पोपट भाई को कैसी हिम्मत दी थी मने बड्डू मालूम छे। मतलब चाचा जी रोशन डार्लिंग मुझे ऊपर नहीं जाने देना चाहती है ना, इसलिए कुछ भी बोल रही है। सुनिए समझ, मुझे लोगों के साथ ऊपर जाना ही पड़ेगा। रोशन मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने बोल दिया ना नहीं जाना मतलब नहीं जाना। अरे सोनिए इस बार मैं सच्ची हिम्मत वाली हिम्मत दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रोशन। अरे पर मेरी बात तो, तुझे मेरी कसम नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, बोल दिया ना। कि कितना तुझे कसम देता। ठीक है सोनी तू यहीं रुक, फिर मैं चलता हूँ बेटे तुम्हारे साथ। आप क्यों जाएंगे तारक? दिली चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अभी सब साथ में, और वैसे भी दिन का टाइम है, दिन में भूत भूत नहीं होते हैं। अरे भूत को क्या दिन या रात। I am also coming, मैं भी आता है। अय्यर तुम भी? हाँ बबीता मैं भी, जब तक प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। वेरी गुड। कल रात को मैंने भी कोई अनुभव नहीं किया, मुझे कोई डर नहीं है। वेरी गुड अब्दुल। देखो अंजलि अब तो इतने लोग साथ हैं, अब तो बिल्कुल डर की बात नहीं है। ठीक है आप बाकी सब यहीं रुको, मैं मेहता साहब अय्यर और अब्दुल ऊपर जाके आते हैं। आहो हो संभालो जाए ना, टेंशन हो गई। ये हुई ना बात, चलिए आइए आइए आइए। तानिया जी समीर जी आइए आइए। आइए आइए आइए। अरे आइए आइए भीड़, सरकार डरवे की कछु बात नहीं आइए। जाने दो ना भाई, क्यों जाना है ऊपर? हाँ वापस चलते हैं, इनको कभी फिर बाद में दिखा देना। चलते अभी चलते, चलो चलो चलो। कछु नहीं है वो, कछु नहीं होते, चलिए ऊपर चलिए, कछु नहीं है वो। आइए आइए आइए। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, A1 फ्लैट है वो, देख के मजा आ जाएगा, अरे दिल धक धक हो जाएगा। आइए आइए जय देखिए। अरे जय गो मोहन लाल जी को फ्लैट, एकदम शानदार जबरदस्त। क्या बोलो तो आपने, काले को तो यहाँ पे चले जाओ यहाँ से। अरे कछु तो नहीं है वो यहाँ। अरे भ्रम हुआ है आप लोगों को भ्रम। विकी आप ये सब छोड़िए ना, हमें फ्लैट दिखाइए। अब यही खोल देते हैं दरवाजा, जिले हो आइए। अरे आइए भिड़े सरकार, आइए आइए। ये देखिए कितना बड़े। अरे भिड़े सरकार, अरे आज आइए, अरे काय डर रहे थे, आइए 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 देखिए। अरे इससे अच्छा फ्लैट इस एरिया में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गो, विद फर्नीचर। वाओ समीर, इट्स सो पीसफुल हियर। हाँ, काफी अच्छा और स्पेशियस। मैंने तो पहले कहा था आप लोगों ने यहाँ आके फ्लैट देखने में कछु गलती नहीं करी हैगी। कछु नहीं है को यहाँ? क्या भीड़े भाई आप भी, क्या यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। आप लोग ऐसे ही डर रहे थे बेकार में। क्या बोल रहे थे आप लोग, काहे को यहाँ पर? डरावनी दुल्हन। अब यही बुला देते, डरावनी दुल्हन। नहीं नहीं, नहीं अरे डरावनी दुल्हन, अरे नको, मेरी आवाज आ रही है डरावनी दुल्हन। अरे कितने हो, वेट लग लेके है ना। अरे कछु नहीं है भैया। अरे आप लोगों ने फ्री का हुआ बनाओ है। अरे आप लोग इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो और डर लगेगा। आइए अब मैं आप लोगों को इस फ्लैट की बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी का व्यू देख के आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। आइए 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 आइए, चलिए ये है बालकनी।
देखिए कितना अच्छा व्यू आएगा। अरे कच्चू नहीं आएगा ऐसे, आप लोग भी ऊपर आइए, सब कुछ ठीक आएगा। सेक्रेटरी साहब से ही पूछ ली क्यों मिले सरकार। हाँ हाँ यहाँ पे इस वक्त तो सब ठीक ही है। आइए आइए आप लोग भी आ जाइए। नहीं नहीं भाई हम लोग नीचे ही ठीक है। हाँ भाई हमको ऊपर नहीं आना। हाँ। अरे कुछ नहीं आएगा। हाँ कोई बात, कोई बात। आहो, आप लोग भी फटाफट फ्लैट देख के फटाफट नीचे आ जाइए। हाँ हो गया अभी आ ही रहे हैं। आते 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 ओके आइए आइए। देखा चाचा जी कुछ नहीं है वहाँ पे। वो दिन में गए ना इसलिए कुछ दिखा नहीं उधर। लगता तो ऐसे ही है। कैसी लगी बालकनी? अरे हमने नहीं कही थी। अरे बालकनी का व्यू देख के हो गई ना तबीयत जबरदस्त। आपने फ्लैट तो देख ही लिया है, अभी नीचे चले। चलो चलो चलो। अरे भीड़े सरकार इतनी जल्दी का है गई? अरे पूरा फ्लैट तो दिखाने दीजिए। अरे पूरा घर क्या, सब तो देख लिया है, हॉल देख लिया, बालकनी देख ली, सब हो गया, चलते हैं। मुझे लगता है आप लोग अभी भी डर रहे हैं। चिल मैन, डरने की कोई बात नहीं है, देख लेते ना रूम। और पता है समीर, बालकनी एंड हॉल इतना ब्यूटीफुल है तो बेडरूम कितना अच्छा होगा। आई रियली वांट टू सी। आइए 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 देख लेते आइए। ये देखिए ये है गो बेडरूम, कितना बड़ा है गो, देखिए। नाइस, वेरी नाइस। यार आई लाइक इट। तो कल आप लोगों ने इतना ही डरावनी दुल्हन की हंसी और उसका मंगलसूत्र तो चूड़ा देखो। हाँ, इंगे इंगे अभी तो कछु नहीं है वो। पुलिस ने ठीक ही कहा तो, ना यहाँ कोई पैरों के निशान है, ना मंगलसूत्र, ना चूड़ो। पता नहीं कल रात को आप लोगों ने क्या देख लिया। क्या हुआ? पीछे से एकदम से कोई निकल के गया। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे भी। हाँ कोई था एकदम से निकला। मैं देखता हूँ। मैं कौन है वो? कोई भी तो नहीं है वो। कोई वो तो नहीं है गो, कोई नहीं है गो। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। कौन है, किसकी आवाज आएगी? चले जाओ मेरे घर से, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे निकालना चाहते हो? कौन है समीर? डोंट वरी। बहुत होगा, जब का नाटक लगा के रखा है आप लोगों ने। समीर जी, तानिया जी, बिल्कुल ना घबराओ, मैं हूँ, टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। कौन है? क्या हुआ विकी? अरे विकी क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? हाँ बोल विकी क्या हुआ? बचाओ। किसे? Oh.
दोस्तों, आपने कभी छोटे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखा है? देखा ही होगा, जाहिर है। आपने देखा है बच्चे किस तरह से खिलौनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फेंकते हैं? ठीक उसी तरह डरावनी दुल्हन विकी और ये फ्लैट देख रहा है कपल के साथ खेल रही है। ये तो हद हो गई। अब तक रात में नजर आती थी डरावनी दुल्हन, अब तो दिन में भी नजर आने लगी है। अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? हमें इस डरावनी दुल्हन से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? खैर, छुटकारा जो भी दिलाए, लेकिन आपको हंसी की डोज बराबर मिलती रहेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।